हेलो फ्रेंड्स, रुचिज हाथ की रसोई में आप सबका स्वागत है। अचार का सीजन चल रहा है, लोग अलग अलग तरीके के अचार बना रहे हैं, तो आज मैं बना रही हूँ आम और चने का अचार। आम और चने का अचार बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा सा अचार होता है, जो आपके खाने के स्वाद को दुगना कर देता है। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं आम और चने का अचार। यहाँ पर मैंने ये 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। आम को अच्छे से धोकर किसी साफ सूती कपड़े से पोंछ लेंगे। उससे पहले कि हम आम को काटें, हम चने को धो लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लगभग 100 ग्राम चना लिया है। आप चने की मात्रा को अपने पसंद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चने को 2-3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। चने को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे किसी छलनी पर ऐसे निकाल लेंगे, जिससे कि चने का अतिरिक्त पानी निकल जाएगा। अब हम किसी थाली पे ऐसे कोई सूती कपड़ा बिछा लेंगे और उस पर इस चने को डाल लेंगे। इसे अच्छे से फैला लेंगे और 1-2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि चने का पानी पूरा सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि मैंने ये लाल चने का इस्तेमाल किया है, जिसके हम घुगनी सब्जी वगैरह बनाते हैं, वो चना है। आप चाहें तो काबुली चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम लोग छोला भी बोलते हैं। उससे भी ये अचार उतना ही टेस्टी बनता है। तो आप अपने पसंद के अनुसार दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे 1-2 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। अब हम लोग आम को छील लेंगे। तो पहले इसका ऊपर से ऐसे ही काट देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी आम को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे कद्दूकस में किस लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आम को किस लेंगे और इसकी गुठली को अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी आम को अच्छे से किस लिया है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकालेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ हरी मिर्च और अदरक है। तो यहाँ मैंने ये लगभग 100 ग्राम हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और ये थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का है। तो अदरक और हरी मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। अगर ज़्यादा तीखा अचार बनाना हो तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा लें, कम तीखा बनाना हो तो हरी मिर्च की मात्रा को कम कर लें। अब हम इसमें हरी मिर्च को काट लेंगे, इस तरीके से पीसेज में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें मिर्च को काट लिया है। अब हम इस अदरक को डालेंगे। तो अदरक को पहले हम छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक को छील लिया है। अब हम इसे टुकड़ों में काट लेंगे और इसके जूलियंस काटेंगे, यानी कि इसके पतले पतले और लंबे लंबे लच्छे काटेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसके कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके इस तरीके से जूलियंस काटने से इस तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अदरक के ये लच्छे काट लिए हैं, पतले पतले और लंबे लंबे। अब हम इसमें डालेंगे चना, जिसे हमने धोकर सुखाया था। तो ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अब हम इन चनों को इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। वैसे अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, जिससे कि यह प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो यहाँ मैंने इसमें लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी भी अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी अगर कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। यहाँ इसका कलर अच्छे से पीला हो गया है, इसका मतलब इसमें हल्दी बिल्कुल सही है, इसमें और हल्दी की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कम से कम भी 1 से 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे धूप में ला के रख दिया है। हमारे यहाँ आज बहुत कड़ा धूप है, अगर ऐसा धूप रहे तो इसे 1 दिन धूप में रखना सफिशियंट होता है, नहीं तो आप इसे 2 दिन के लिए भी धूप में रख सकते हैं। अभी हमने इसमें नमक और हल्दी डाला है, जिससे इसमें बहुत सारा पानी बनेगा, हमें उस पानी को भी आधा सुखाना है। फ्रेंड्स, चने के अचार को धूप में रखे हुए 1 से 1.5 दिन हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसका पानी इसमें ऑलमोस्ट सूख चुका है। तो चलिए इसमें मसाला मिलाया जाए। फ्रेंड्स, चने के अचार में डालने के लिए हमें ये मसाले चाहिए: सौंफ, पीली सरसों, मंगरेल, हींग, मेथी दाना और लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें डलेगा सरसों का तेल।
तो सबसे पहले हम सरसों को पीस लेंगे, इसे हम थोड़ा मोटा पीसेंगे। सौंफ को दरदरा पीस लेंगे और मेथी दाने को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को पीस लिया है। अब हम इस अचार में मसाले मिलाएंगे। अब हम अचार में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच पीसा हुआ पीला सरसों, एक चम्मच दरदरा कूटा हुआ सौंफ, 1 चम्मच मंगरेल, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ मेथी दाना, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर। मैंने 1 किलो अचार में 2 चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच हींग। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल कच्चा डालेंगे। अगर आपको सरसों कच्चे सरसों के तेल की धास पसंद ना हो तो आप तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें, फिर ठंडा कर लें, उसके बाद इसमें डालें। लेकिन कच्चे तेल का धास बहुत ही बढ़िया आता है अचार में, और जब हम अचार को धूप में रखते हैं तो ये तेल खुद ब खुद पक जाता है। तो हम इसमें तेल डालेंगे अच्छे से। अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इन सबको हम मिक्स करके कम से कम भी 1 दिन के लिए धूप में और रख देंगे, जिससे सभी मसाले अचार में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अचार का स्वाद भी बढ़ जाए। धूप में रखने से अचार टिकाऊ होता है। अचार में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें लगभग 1 किलो आम में लगभग 250 ml तेल का इस्तेमाल हुआ है। बस हम इसे 1 दिन धूप में रख के किसी भी जार में भर के रख लेंगे। चने के अचार को धूप में सूखते हुए 1 दिन हो गया है। बस हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अचार में तेल पर्याप्त मात्रा में होने से अचार कभी भी खराब नहीं होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अचार अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे किसी भी कंटेनर में भरकर स्टोर कर लेंगे। यदि हम अचार भरने के लिए कांच के बर्तन का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, अन्यथा आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसमें इसे भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे चने और आम का अचार बनाने का मेरा तरीका। आप लोगों को मेरा अचार बनाने का यह तरीका कैसा लगा अवश्य बताएं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और दूसरी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।